हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से हमारे अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है अभिनव प्रागीज व्लॉग। मैं अभिनव आप सबको बहुत ही वार्म वेलकम कर रहा हूँ अपने इस व्लॉग में, क्योंकि तो थंबनेल देखकर आप जान ही गए होंगे किस चीज़ का व्लॉग है। तो आज हम जा रहे हैं विंध्याचल माता के दर्शन करने के लिए विद फैमिली, और आप भी हमारे साथ चल रहे हैं तो व्लॉग में बने रहिएगा। व्लॉग में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें आपको हम दिखाएंगे, जैसे कि हमेशा हम आपको व्लॉग में कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें दिखाते रहते हैं, और जहाँ हम जाते हैं उसके लिए भी आपको डिटेल में कुछ चीज़ें बताते हैं। तो चलिए चलते हैं वीडियो में, बने रहिएगा इस वीडियो में लास्ट तक। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हमें हो चुका है ऑलरेडी बहुत लेट, क्योंकि हम निकलने वाले थे सुबह 7 बजे और अभी बज रहे हैं सुबह के 9। और घर में पूजा वूजा करने के बाद अभी हम सब कुछ काम वगैरह घर का हो गया, घर का काम भी कंप्लीट हो गया, और हमने कुछ खाने पीने के लिए भी बना लिया रास्ते में। बहुत ज़्यादा दूर तो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें ऐसा होता है ना कि हम कहीं जाते हैं तो हम कुछ ना कुछ अपने लिए बना लेते हैं, तो वो एक अलग सा अच्छा सा फील होता है फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने का। और ये ज़रूरी भी होता है लाइफ में यार, क्योंकि आज कल लाइफ में सभी लोगों के बहुत ज़्यादा टेंशन है, सब कुछ है, तो ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती है लाइफ में, घूमना फिरना और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना, आपका माइंड भी फ्रेश होता है। तो चलिए चलते हैं, वीडियो में बने रहिएगा, मिलते हैं आप सबको बाहर। आपको ये बताना कि मेरा कुर्ता कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना। आज मैंने नया कुर्ता पहना हुआ है, ये मैंने दिवाली के लिए बनवाया हुआ था, बट दिवाली मैंने नहीं पहना क्योंकि मैंने कुछ नया मुझे दिख गया था तो मैंने उसको ले लिया और उसको मैंने पहना था। दिवाली की वीडियोस आपने देखी होंगी, और बताइए कमेंट में मेरा ये कुर्ता कैसा लग रहा है आप लोगों को। तो चलिए मिलते हैं बाहर। सो फाइनली हम लोग निकल चुके थे अपने लोकेशन पे जाने के लिए, और आज हमारा प्लान अचानक से क्यों बन गया विंध्याचल जाने का, तो उसके पीछे भी रीज़न था। आज था हमारी दीदी एंड जीजू की एनिवर्सरी, तो उनको भी विश करते हुए हैप्पी एनिवर्सरी। हम निकल जाते हैं मंदिर के लिए फाइनली। तो मंदिर जाने से पहले हमें करानी थी CNG वगैरह फुल, ताकि रास्ते में हमें दिक्कत ना हो। तो फैमिली के साथ जाने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, और बहुत टाइम के बाद हम फैमिली के साथ ऐसी ट्रिप पर जा रहे थे, और मज़ा आता है यार, छोटी मोटी ट्रिप ऐसी मारनी चाहिए लाइफ में आपको, और आप लोग तो जानते हो मुझे ट्रैवल में कितना ज़्यादा मज़ा आता है। तो चलिए मिलते हैं आपको मंदिर में और दिखाते हैं वहाँ की कुछ चीज़ें। तो हम लोग आ चुके हैं अब अपनी लोकेशन पर, मतलब हम आ गए मंदिर पर, और अभी यहाँ पर आकर पता चला है कि मंदिर हो गई है बंद, 1:30 बज रहा है, तो वो अभी कुछ देर बाद खुलेगी मंदिर, तो अब हम जाएंगे दर्शन के लिए। तब तक हम देखते हैं कहीं बैठने बैठने का इंतज़ाम होता है तो वहाँ बैठते हैं, प्रसाद वगैरह लेते हैं, दम चलते हैं मंदिर में। सो आप लोग देख सकते हो ये मंदिर का एंट्री गेट है। एंट्री यहाँ पे आई थिंक मेरे हिसाब से 2 या 3 एंट्री गेट हैं, बट अभी भी मंदिर रेनोवेट हो रही है, मंदिर बहुत ही अच्छी बन रही है। तो चलिए प्रसाद वगैरह लेते हैं, देन आपको पूरा मंदिर हम टूर कराते हैं, और ये पूरी मार्केट यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ से आप प्रसाद वगैरह लेके आगे बढ़ सकते हो। अभी हो चुका है आरती का टाइम, तो हम लोग सब लोग बैठे हुए हैं, हमारी एनिवर्सरी वाली मैडम भी बैठी हुई हैं और गुनगुन भी बैठी हुई है। अभी टाइम लगेगा 1 घंटा कम से कम आरती में भी लगेगा, तो 1:30 बजे मंदिर खुलेगी, तो 1:30 बजे हम जाएंगे अंदर। सो जब तक आरती का टाइम हो रहा था हमने ये सोच लिया कि तब तक हम भी चलते हैं लाइन में लगते हैं, और मुझे पता नहीं कि अंदर कितनी भीड़ होगी क्या चीज़ होगी। तो ये चुनरी मुझे माता की पसंद आ रही थी, और लिटरली मैं बहुत टाइम के बाद आया था। कमेंट में आप बताना कि चुनरी माता की कैसी लग रही है, मैंने तो यही वाली फाइनल की थी, बहुत ही अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद माता के दर्शन के लिए आया था, और विंध्याचल आके मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो बाकी सारे लोग भी प्रसाद ले रहे थे और मैंने भी यहाँ पे प्रसाद ले लिया। प्रसाद भी यहाँ पे बहुत ही रिजनेबल रेट पर मिल जाते हैं, 11, 21, 51, 101, 501, आपके ऊपर है, वो आप कितनी श्रद्धा से क्या चीज़ें चढ़ाते हो। तो आप लोग देख लो यार, मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी अंदर जाने के लिए और माता का दर्शन करने के लिए। तो आप लोग भी चलिए, हम भी आपको कराते हैं माता के दर्शन। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि कितना ज़्यादा काम अभी भी चल रहा है, मंदिर अभी पूरी तरीके से बन के कम्प्लीट नहीं हुई है, माता का कॉरिडोर अभी भी बन रहा है, बट जितना भी बना है बहुत ही सुंदर लग रहा है। और जब भी मंदिर कम्प्लीट हो जाएगी तब भी अगर माता ने हमें बुलाया तो हम वीडियो बनाने और आपको दर्शन कराने जाएंगे। और आप लोग देख सकते हो यार कितनी ज़्यादा भीड़ लगी, कितनी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं, और जब भी आप यहाँ पर आओगे आपको पंडित यहाँ पर मिल जाएंगे, जो कि आपको बोलेंगे कि हम आपको दर्शन करा देंगे, ये करा देंगे, वो करा देंगे, बट आप लोग कभी भी ऐसा मत करना। मुझे ऐसा लगता है कि आप सबकी तरह नॉर्मली लाइन में लगकर आप दर्शन करना माता के, और वहाँ पे पंडित आपसे दर्शन कराने के 1100 रुपये, 1500 रुपये, 2100 रुपये आपसे चार्जेस लेते हैं। यार सोचो यार, मंदिर में क्या ही, मतलब आप लोग दर्शन कराने कितने पैसे ले रहे हो। तो हमने ये सोचा था कि हम जाएँगे माता के दर्शन करने, और यहाँ माता की आरती हो रही थी, बहुत ही दिल को सुकून मिल रहा था। और मेरा तो ये मानना है कि भाई आप मंदिर में आए हो तो सबकी तरह एक बराबर माता के धाम में, तो सब लोग वैसे ही दर्शन करिए जैसे माता ने आपको बुलाया।
तो चलिए आपको भी माता की आरती और माता के दर्शन कराते हैं वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पे हमारा हो गया बहुत ही अच्छा माता का दर्शन। तो आप लोग कमेंट में ये भी बताना कि आप लोग ने विंध्याचल दर्शन किया है, माता के धाम में आप आए हो या नहीं। इस तरह से बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। हम लोग के दर्शन अच्छे से और अब हम लोग जा रहे हैं अष्टभुजी दर्शन करने के लिए। तो मिलते हैं आपको अगली लोकेशन पर और अगले मंदिर पर। सो मिर्ज़ापुर विंध्याचल धाम में त्रिकोण का बहुत ही बड़ा महत्व है। त्रिकोण का मतलब होता है कि फर्स्ट विंध्याचल धाम, सेकंड अष्टभुजी मंदिर, थर्ड काली खो। यहाँ पे तीन देवियाँ विराजमान हैं और इन तीनों देवियों के जब तक आप दर्शन नहीं कर लेते, कहते हैं कि विंध्याचल दर्शन पूरा नहीं माना जाता। और हम उसी का दर्शन करने के लिए निकल गए थे अगली लोकेशन पर। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे पहले काली खो मंदिर पर, जहाँ पर भी आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी प्रसाद के रूप में लेने के लिए और दर्शन करने के लिए। तो यहाँ हमने फटाफट से दर्शन किया, अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो फटाफट से हम निकल जाते हैं अष्टभुजी मंदिर के लिए, क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना था और शाम हो रही थी। तो भाई ट्रिप का और फील नेचुरल, इतना मतलब पहाड़ी इलाका होता है ना, वो पूरा बहुत ही अच्छा वाइब था वहाँ पे और बहुत ही मज़ा आ रहा था, हम एंजॉय करते हुए जा रहे थे। तो चलिए मिलते हैं अब आपको अष्टभुजी मंदिर पे और वहाँ का दिखाते हैं आपको वाइब। तो हम लोग पहुंच गए थे अष्टभुजी माता के मंदिर में। तो अष्टभुजी माता के मंदिर में जाने के लिए सीढ़ियाँ होती हैं जो कि हमें नीचे जाना होता है। यहाँ पे रोपवे भी चलती है काली खो से, बट हमने चूज़ किया था कि हम रोड से जाएंगे, तो हम रोड से आए हुए थे और सीढ़ियों से हमें काफ़ी नीचे जाना होता है। और वहाँ पर मंदिर होता है और सीढ़ियों पर ही आपको प्रसाद वगैरह मिल जाएगा, आप ले सकते हो। और हम भी प्रसाद वगैरह लेकर जा रहे थे माता के दर्शन के लिए। लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे तो माता का दर्शन नहीं कर पाए थे, तो फर्स्ट टाइम हम जा रहे थे माता की गुफा के अंदर दर्शन करने के लिए। तो चलिए पहले दर्शन करते हैं, देन आपको मिलते हैं बाहर। तो भाई अष्टभुजा माता के भी मंदिर में हमारा हाजिरी लग गया, दर्शन भी हो गए, बहुत अच्छे से दर्शन हुए। और चलिए चलते हैं, कुछ खाते पीते, क्योंकि बहुत भूख लगी, सुबह से कुछ भी खाया पिया नहीं है। अभी निकलते हैं अपनी कार की तरफ, वहाँ चल गए ऊपर, हाँ ऊपर इतना। तो भाई उतरने को तो बहुत अच्छे से उतर गए, लेकिन चढ़ने में हालत ख़राब हो रही है भाई। चलिए फिर भी चढ़ते हैं और कुछ खाते पीते, क्योंकि एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है। भाई हम आ गए हैं अष्टभुजा मंदिर में और यहाँ का सीन बहुत ही अच्छा है और वाइब भी बहुत अच्छी है, हवा बहुत अच्छी चल रही है। आपको एक चीज़ दिखाते हैं, बहुत ही अच्छी वाइब है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हवा बहुत अच्छी चल रही और हालत भी ख़राब है। कि नज़ारों का मज़ा लेते हुए अभी हो चुकी है शाम और शाम का टाइम है, तो भाई चाय तो बनती है। अभी हम सारे लोग पी रहे हैं चाय और उसके बाद निकलते हैं घर की तरफ। और आज दीदी की एनिवर्सरी भी है, तो फिर कुछ देखते हैं कि कोई अच्छा रेस्टोरेंट वगैरह वहाँ पर मिलता है। तो दीदी का सरप्राइज़ बर्थडे केक भी, सॉरी बर्थडे नहीं, एनिवर्सरी केक भी उनका कट करवाना है। तो चलिए आगे मिलते हैं और चाय का लेते हैं, सॉरी आनंद लेते हैं।
बहुत ही स्वाद है चाय में। चाय कैसी लगी? अच्छी, बहुत अच्छी। पापा का लंच बॉक्स बढ़िया है ना पापा? बिल्कुल पैक वाला है, एकदम मन पसंद डाइट वाला खाना। इधर और यहाँ पे नज़ारे का आनंद लेते हुए, और भूख तो लगी है, भूख लगी है तो कुछ खाने पीने चलते हैं। हाँ, और ये हमारे न्यूली मैरिड कपल्स, आज इनकी एनिवर्सरी है, सो चलते हैं अभी। सो घर से बनकर आया था, पास्ता वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनकर आई थी, तो हमने वहाँ पर ही सीन के साथ माता के दर्शन करने के बाद, सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया था तो हमने चाय पान नाश्ता वगैरह अपना वहीं पर ही किया। कमेंट में बताइएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को, और अभी हम जाएंगे बाहर। तो ना चाहते हुए भी हम इसके आगे वीडियो नहीं शूट कर पाए, अनफॉर्चुनेटली हमारे आईफोन की स्टोरेज, यार आईफोन में इतनी दिक्कत होती ना स्टोरेज की, आप लोग सब लोग जानते हो, स्टोरेज की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि इसके आगे मैं वीडियो शूट ही नहीं कर पाया। हम बनारस तक गए थे दीदी की एनिवर्सरी का, केक कटिंग वगैरह किया, डिनर किया, उस चीज़ को हमने बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाया, और वहाँ पे बहुत ही मज़ा भी हमें बहुत आया था, और उस चीज़ को मैंने वीडियो में नहीं दिखाया, तो इस वीडियो का भी हम एंड यहाँ पर कर रहे हैं, और मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आगे कैसा ब्लॉग आप लोग देखना चाहते हो तो कमेंट में भी बताना। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।